एवरीवन, वेलकम टू संजय क्लासेस। आज मैं क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर थर्ड लेकर आई हूँ, जिसका नाम है अपवा ड्रेनेज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो एग्जाम में टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस चैप्टर की ब्रीफ समरी देखने वाले हैं। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो जैसा कि हमारे चैप्टर के नाम से ही क्लियर होता है, अपवा मतलब क्या होता है। अपवा उसे कहते हैं जो बहता हुआ पानी होता है, उसे हम अपवा कहते हैं। एग्जांपल के लिए हम एग्जांपल से समझते हैं। ये बहता हुआ पानी, इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है हमारा अपवा, ये हमारा अपवा होता है। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है अपवाह क्या होता है। अपवाह का मतलब मैंने बता दिया, भारत में अपवाह तंत्र। उसके बाद हमें पढ़ना है हिमालय की नदियाँ, उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियाँ, देन झील एंड लास्ट नदी का महत्व। चलिए शुरू करते हैं। अपवाह, जल का नदियों नालों के जल के धारों के रूप में बहना ही अपवाह कहलाता है। जल क्या होता है, पानी। जब पानी या नदी नालों में पानी धारा के रूप में बहती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम अपवाह कहते हैं। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अब नदी तंत्र क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। नदी तंत्र जो छोटे छोटे नदियाँ होते हैं वो बड़ी नदियों में आकर मिल जाते हैं, तो उसे हम नदी तंत्र कहते हैं। ये हमारा पिक्चर से क्लियर होता है। ये जो लाइन जा रही है ये हो गई हमारी अपवाह। ये सब क्या है, ये सब हो गई हमारी अपवाह। ये पानी बह रहा है, इसको हम अपवाह कहेंगे। अब नदी तंत्र, ये जो हमारी छोटी छोटी नदियाँ हैं, छोटी छोटी ये, इनको हम कहेंगे नदी तंत्र, जो बड़ी नदियों के साथ आकर मिल जाती है, इसको हम नदी तंत्र कहेंगे। तो नदी तंत्र किसे कहते हैं। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। नदी तंत्र क्या होता है, जो छोटे छोटे नदी होते हैं वो बड़ी नदियों में जब आकर मिल जाते हैं, मिलकर बड़ी सी नदी बनाते हैं, तो उसे हम नदी तंत्र कहते हैं। अब पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं, तो जो हमारी नदी तंत्र होती है वो छोटी छोटी रूप में विभिन्न दिशाओं में आकर बड़ी नदियों के साथ आकर मिल जाती है और वो बड़ी नदी का निर्माण करती है। तब एक मुख्य बड़ी नदी का निर्माण होता है। जैसे कि हमने बताया, छोटी छोटी नदियाँ मिलकर बड़ी नदी बनाती है, अतः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। ये सारी नदियाँ जो होती है ये किसी बड़े समुद्र या महासागर मिलकर बनाती है। ये जो छोटी छोटी नदी और बड़ी नदियाँ मिलकर समुद्र या झील में जाकर मिल जाती है। ये हमारा पिक्चर में क्लियर हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय नदियों के टाइप। जो भारत में हमारे नदी है वो कौन कौन से टाइप के हैं। तो भारतीय नदी को मुख्य दो वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट हिमालय की नदियाँ, सेकंड प्रायद्वीपीय नदियाँ। हमारे भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारी हिमालय की नदियाँ, सेकंड प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब हम एक एक करके दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय की नदियाँ, हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12 मासी नदियाँ होती हैं, कभी सूखती नहीं है। जो हमारी हिमालय की नदी होती है ये 12 मास बहती रहती है, ये कभी सूखती नहीं है। इनमें वर्ष भर पानी भरा रहता है, क्योंकि वर्षा के साथ साथ बर्फ़ के पहाड़ जब पिघलते हैं तो वहाँ से भी इन्हें पानी मिलता रहता है। जो हमारी हिमालय की नदियाँ होती हैं ये इनमें वर्ष भर पूरे साल पानी भरा होता है और कभी भी पानी सूखता नहीं है। हिमालय की मुख्य नदियाँ, हिमालय की जो नदियाँ हैं उसके अंतर्गत हमारी सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियाँ आती हैं। अब हम इस मैप में देख लेते हैं, ये मैप में हमारी हिमालय की नदियाँ कहाँ पर हैं। जैसा कि दिख रहा है आप लोगों को, ये इंडिया का मैप है, इसमें हमारी हिमालय की नदियों के बारे में देखेंगे। ये जो हमारा उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में हमारे हिमालय की नदियाँ होती हैं।
इंडिया के मैप में जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये पूरा हमारे हिमालय की नदियाँ हैं। ये कौन सी नदियाँ हैं हमारी? हिमालय, ये हमारी हिमालय की नदियाँ हैं। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। मध्य निचले भाग में ये नदियाँ विसर्प गोखुर झील बनाती है तथा अपने बाद वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। जो हमारी हिमालय नदी है वो जो इनका उत्पत्ति है वो अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। अब हम पढ़ेंगे हिमालय की जो मुख्य नदी है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले आप मैप में देख लेते हैं, ये रही हमारी सिंधु नदी। फर्स्ट ये हमारी सिंधु नदी है, ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है और लास्ट हमारी ये हमारी गंगा नदी है, ये हमारी गंगा नदी है। ये आप लोग को जो भारत का मैप है उसमें इजीली मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अब हम सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। जो हमारी सिंधु नदी है वो कौन सी झील से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। जो हमारा मानसरोवर झील है वो कहाँ पर है? वो हमारा तिब्बत में है। पश्चिमी की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। और जो हमारी सिंधु नदी है वो पश्चिमी की ओर बहती हुई भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। भारत में किस जरिए वो प्रवेश करती है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, सवी, चेनाब तथा झेलवा आपस में, ये सारी कौन सी है? ये हमारी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये सब मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। और जो हमारे सिंधु नदी है वो 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। कितनी लंबी है हमारी सिंधु नदी? 2900 किलोमीटर। अब हम सेकंड देखेंगे गंगा नदी। गंगा की मुख्य धारा का नाम भागीरथी है। जो गंगा नदी की मुख्य धारा है उसका नाम है भागीरथी, जो गंगोत्री नामक हिमालय से निकली है। गंगा नदी कौन सी, कहाँ से निकली है? गंगोत्री नामक हिमालय से। यह उत्तराखंड की देवप्रयाग में अलकनंदा नाम की नदी से मिलती है। हरिद्वार पहुँचने के बाद गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदान में आती है। जब गंगा नदी हरिद्वार पहुंच जाती है तो उसके बाद वो गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानों में आती है। गंगा की जो मुख्य सहायक नदी है उसका नाम है, पहली है घाघर, दूसरी है गंडक और तीसरी है कोसी। ये हमारा हो गई गंगा की सहायक नदियाँ, घाघर, गंडक और कोसी। गंगा और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में पहुंचते हुए सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। जो हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियां हैं वो खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में पहुंचते हुए सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। और जो हमारी गंगा नदी है उसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। तो 2500 किलोमीटर मतलब सिंधु नदी से छोटी है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदियाँ तिब्बत में मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है। तो हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है। यह सिंधु नदी से थोड़ी अधिक लंबी होती है। जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो सिंधु नदी से थोड़ी अधिक लंबी होती है। ब्रह्मपुत्र का अधिकांश हिस्सा भारत से बाहर है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। जो हमारे सेकंड पार्ट था, फर्स्ट हमने पढ़ लिया हिमालय की नदियाँ, अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में देखेंगे। जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं वो वर्षा पर निर्भर करती है। ये किसी नदी से नहीं बहती, जब भी बारिश होती है तभी इसका बहाव होता है।
और जब गर्मी पड़ती है तो जो बड़ी बड़ी नदियों का जल स्तर भी घट जाता है, और जब अच्छी वर्षा होती है तो इन नदियों में बहाव अच्छा हो जाता है। हिमालय की नदियों की तुलना में ये प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है। इन जो हिमालय की नदियाँ थी उनकी तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है। इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। अब हम मैप में देख लेंगे हमारे प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये हमारा हो गई प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये हमारी हिमालय नदियाँ, और उसके नीचे ये हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब हम प्रायः में पढ़ेंगे एक एक करके। तो जो सबसे पहले हमारी नदी है उसका नाम है नर्मदा द्रोणी, और इसकी लंबाई कितनी है, 1.312 किलोमीटर लंबी है। और जो नर्मदा द्रोणी है इनकी सहायक नदियों के नाम है शक्कर, दूधी, तवा, गजल आदि। और इसकी विशेषताएं क्या है, नर्मदा द्रोणी नदी की समुद्र तक पहुंचने में निकट संगमरमर में गोर्ज और धुआंधुर प्रपात का निर्माण नदी द्वारा किया जाता है। सेकंड देख लेते हैं तापी द्रोणी, इसकी लंबाई 724 किलोमीटर होती है, और इनकी सहायक नदियों के नाम है पून, केन्ना और पंजरा। और इस नदी की विशेषता क्या है, यह नर्मदा के समांतर एक अंश में घटी बहती है। अब हम देखेंगे गोदावरी द्रोणी, ये 1500 किलोमीटर लंबी होती है, और इनकी सहायक नदियों के नाम है पून, वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा। और इसकी विशेषता क्या है, यह दक्षिण की सबसे लंबी नदी है, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। गोदावरी द्रोणी नदी का दूसरा नाम है दक्षिण गंगा भी कहते हैं। अब हम देखेंगे महानदी द्रोणी, ये कितनी लंबी है, 860 किलोमीटर, और इसकी सहायक नदियों के नाम है शिवनाथ, मांड, दया आदि। इसकी विशेषता है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा द्रोणी, ये 1400 किलोमीटर लंबी होती है, इनके सहायक नदियों के नाम है तुंगभद्र, कोयना, और इसकी विशेषता क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी द्रोणी देख लेते हैं, ये 760 किलोमीटर लंबी होती है, इनकी सहायक नदियों के नाम है अमावती, भानी, हिमावती तथा काबिनी। इसकी विशेषता होती है कुदूलर के दक्षिणी में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये था हमारे प्रायद्वीपीय नदियों के टाइप्स, जिनके बारे में हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया। ये सारे पॉइंट्स देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में इसी में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब हमने जो हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ पढ़ा, उन दोनों के बीच डिफरेंस देख लेते हैं, उन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हिमालय की नदियाँ कहलाती हैं, और प्रायद्वीपीय नदियाँ, अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं। इन नदियों को पर्वतों से पिघलने वाले हिम व वर्षा का जल प्राप्त है, और इन नदियों का प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। जैसा मैंने बताया था प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती हैं, और जो हिमालय की नदियाँ हैं वो हिम व वर्षा का जल प्राप्त होता है। इनकी लंबाई कम होती है हिमालय की, और प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई अधिक होती है। तो ये था हमारे क्लास 9th का चैप्टर 3rd अपवाह के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विथ नोट्स। थैंक यू।